Hey guys, me RJ Chaiman and hope you all good. अगर सपने में बंदर मिले तो देख लीजिए क्या होगा। दोस्तों, हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोग बंदर को हनुमान जी का रूप मानते हैं और कई लोग तो बंदर का आशीर्वाद भी लेते हैं। ऐसे में यदि आपको सपने में बंदर दिखाई देता है तो इसे शुभ संकेत माना जाता है। इसका अर्थ यह लगाया जाता है कि आने वाले समय में आपको आर्थिक लाभ प्राप्त हो सकता है। क्या कहा, आर्थिक लाभ? सर जी, सपने में बंदर क्या इंटरव्यू लेगा और नौकरी देगा? जैसे इंसानों में फीलिंग्स होती है वैसे ही बंदरों में भी होती है। तुम मुझे धोखा देगी बंदरिया कहीं की, चल निकल। अबे ये तो चोर निकला। धूम फोर में कब से बात चल रही है कि किसी को कास्ट करना है। तू पक्का है ब्रो? तुझे कास्ट कर लिया तुझे। मैंने एक लड़की को आई लव यू कहा, उसने कहा तुम्हारी शक्ल बंदर जैसी है। मैंने कहा क्यों नहीं होगी, बंदर हमारे पूर्वज जो हैं। मुझे तो पहले ये भी लगता था कि बंदरों से मंकी पॉक्स होता है, पर बाद में पता चला कि वो तो वायरस से होता है। सालों से हमारे ऊपर बंदरों का साया है। समझते हो ना बंदर क्या होते हैं? कोई फल कोई सब्जी इनकी वजह से हम लगा नहीं सकते, क्योंकि जैसे ही इनको पता चलता है ये अपनी टोली लेके घुस जाते हैं और इसको तबाह करने में और खाने में बहुत मज़ा आता है। अब आप कहेंगे इनको भगाते क्यों नहीं हो? तो बहुत बार कोशिश किया यार, लेकिन ये वापस आ जाते हैं। डंडा लेकर दौड़े, पटाखे जलाए, गुलेर से मारा, पत्थरों से भी मारा, पुतले बनाए, दवाई छिड़का, सब कर लिए, आई एम डन, बट कुछ भी नहीं हुआ। ये वापस आ जाते हैं और भागते ही नहीं हैं। पहले ठीक था, लेकिन अब इनका एक सरदार है, हमने उसका नाम हुड़का रखा है। ये सबसे बड़ा चालाक और खुखार बंदर है जिसके सामने इंसान टिक नहीं पाता है। ये सबकी रक्षा के लिए हमेशा आगे रहता है। कभी कभी तो लगता है बंदर हमारे घर में नहीं, हम बंदरों के घर में रह रहे हैं। दिन भर हड़कंप मचाए रखते हैं बंदर और करियर, दोनों को संभालना बहुत मुश्किल है। अब ऐसा नहीं चलेगा, अब या तो वो रहेंगे या हम। जंग होगी अब तो।